हाय एवरीवन, मेरे वी किचन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज की हमारी रेसिपी है तंदूरी मोमोज। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी मोमोज। मोमोज को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये देखिए मैदे को गूंथ लिया है। मैदा गूंथने के लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया और उसमें सिर्फ नमक डालकर और पानी से ये हमने उसका आटा गूंथ कर तैयार कर लिया। और ये बहुत ज्यादा गीला और बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और इसको हम कपड़े से ढककर रख देंगे। और अब हम इसके लिए फिलिंग बनाएंगे। और फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर कुछ सब्जियां ली हैं जो मेरे घर में थी। आपके पास कोई भी सब्जी हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक हेल्दी मोमोज बना रहे थे। इसमें हमने ये पनीर लिया, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है, ये सोयाबीन को हमने बॉईल करके उसे भी क्रश कर लिया है, ये बीन्स है इसे भी हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, ये गाजर को भी हमने बहुत बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च इसे भी हमने बारीक काट लिया है। और अब हम इन सारी सब्जियों को एक बड़े बाउल में कर लेंगे। और अब हम इसमें ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ ये डाल देंगे, 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसे खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस अब हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसकी आउट लेयर बनाएंगे। और अब हम इन मैदे में से इस तरह से देखिए छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और इन लोइयों की छोटी छोटी पूरियां, पतली पतली पूरियां बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरी बना लेंगे पतली। और अब इसमें हम बीच में फिलिंग डालेंगे और इस तरह से चारों तरफ पानी लगा लेंगे और हम इसे इस तरह से जो मोड़कर इस तरह से बना लेंगे सारे मोमोज। और ये देखिए हमने अपने सारे मोमोज भर के तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने एक भगोने में पानी रख लिया है और पानी हमारा उबल रहा है और अब हम उस पर ये एक छलनी रख देंगे। छलनी में हमने यहाँ पर ये ऑयल ग्रीस कर लिया है और इस पर हम अपने मोमोज को रख देंगे सारे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 से 5 मिनट बाद हम खोल के देखते हैं। ये देखिए मोमोज हमारे पककर तैयार हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये फूल भी गए। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हम सर्व कर लेंगे। तो मोमोज हमारे सारे स्टीम हो गए हैं और अब हम मोमोज के लिए मैरिनेट तैयार करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ये 3 से 4 टेबल स्पून दही लिया है, ये गाढ़ा दही है, बहुत पतला दही ना लें। और इसमें हम करीब 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/4 टीस्पून ये तंदूरी मसाला है। अगर तंदूरी मसाला नहीं हो आपके पास तो आप जो है गरम मसाला भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें करीब 1/4 नींबू का रस, कुछ पुदीने और धनिया की पत्ती चॉप की हुई। इसे और चटपटा बनाने के लिए हमने इसमें ये 1 चम्मच मोमोज की चटनी डाली है जो बहुत ही तीखी और चटपटी होती है। अब इसमें जाएगा 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल और इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट में हल्दी कम लग रही है इसलिए हम 1/4 टीस्पून हल्दी और डालेंगे। ये देखिए हमारा मैरिनेट तैयार हो गया है और अब हम इसमें ये स्टीम किए हुए मोमोज डालकर इसे खूब अच्छे से इसी में लपेट देंगे और इसे करीब 15 से 20 मिनट तक इसी में ढककर छोड़ देंगे। ये मोमोज को 15 से 20 मिनट हो गए मैरिनेट होते हुए
और अब हम इन्हें ग्रिल करेंगे। और अब हमने ये गैस जला के ये इस पे एक ये जाली रख दी है और उसके बाद हम ये एक फोक में मोमोज को लगा लेंगे और इस तरह से हम इसे घुमा घुमा कर सेक लेंगे। और ये देखिए ये कितने अच्छे से सिक गए हैं। और हम इसी तरह से अपने मोमोज को सारे ग्रिल कर लेंगे। और दूसरे तरीके से हमने ये देखिए एक ये पैन लिया है और पैन हमारा गर्म हो जाए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, हल्का सा ही। ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो गया है और अब हम ये मैरिनेट लेंगे अपने सारे मोमोज इसी पर अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए तवे पर भी ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं और अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। और आप डायरेक्ट गैस पर भी सेक सकते हैं। तो ये लीजिए तंदूरी मोमोज तैयार है। ऊपर से इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल करके आप सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अब घर पर भी आप तंदूरी मोमोज बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पे भेजिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मोमोज की चटनी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।